बोलो यीशु मसीह की जय। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। वो महान परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, महान है आप, सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। और आज की जो प्रार्थना है, संकट दूर प्रार्थना, संकट दूर प्रार्थना। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई भी संकट है, आज हम उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपका हर एक संकट दूर होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इतना ही नहीं, अगर आपके ऊपर संकट आने वाला है, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। हालेलुया, सच में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत 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 कार्य करने वाले हैं। आज मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इस पोस्ट को शेयर करें, इस ऑडियो को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों के ऊपर से संकट दूर होने पाए। बहुत से लोगों में बेचारे अचानक संकट में फंस जाते हैं। वचन कहता है पवित्र बाइबल कि चिड़िया नहीं जानती कि वो किस समय फंदे में फंस जाती है। कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता कि कैसे चिड़िया फंदे में फंस रही है। वो बेचारी तो अपना खाना खा रही होती है और अचानक से जो संकट उसको पर निगरानी रखे होता है, वो अचानक उस खड्डे में गिर जाती है जहां पर दुश्मनों ने जाल बिछाया होता है। हालांकि उसके लिए चारा वो रखते हैं, पहले खाना उसके लिए रखते हैं, अनाज उसके लिए रखते हैं, वो खाती खाती अचानक उस फंदे में फंस जाती है। चिड़िया भी नहीं जानती है। ऐसे ऐसे संकटों में हम लोग फंसे हुए हैं कि हमें समझ ही ना था कि संकट आए कहां से। इधर से संकट आया। लेकिन आज वो महान परमेश्वर आपके ऊपर से वो संकट हटाने वाले हैं, वो संकट हटने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए विश्वास करें आज कि मैं इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ, मेरे ऊपर से संकट हटने वाला है। जब तक आप कहोगे नहीं, तब तक हटेगा नहीं। आप कहें मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे ऊपर से संकट हटने वाला है, हमारे ऊपर से संकट हटने वाला है, मेरे परिवार से संकट हटने वाला है, मेरे घर से संकट हटने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और निश्चय संकट हटेगा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आंखों को बंद कर प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, महान है आप, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, आपके नाम से इनके ऊपर जो भी संकट है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तरह तरह के संकट में देख रहा हूँ मेरे पिता, इनके ऊपर से हर एक संकट हटाए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से बहुत लोगों के ऊपर पारिवारिक संकट चल रहा है, बहुत से संकट चल रहे हैं, पारिवारिक संकट चल रहे हैं उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा वो परिवार के संकट में फंस के रह गए हैं, पारिवारिक विवादों में फंस के रह गए हैं, पति पत्नी के बीच में संकट चल रहा है। आज हर एक संकटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संकट हट जाए, हमारे ऊपर से संकट हट जाए, हमारे बच्चों के ऊपर से संकट हट जाए, मेरे पति से संकट हट जाए, मेरे बिजनेस से संकट हट जाए, हमारे घर से संकट हट जाए, हमारे परिवार से संकट हट जाए, हमसे संकट दूर हो जाए। आज आप प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं और प्रार्थना करें उस महान प्रभु के आगे। जब तक आप प्रार्थना करोगे नहीं, तब तक आपके बीच में चमत्कार नहीं हो पाएगा। प्रार्थना करें। और राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके ऊपर कर्जे के संकट है मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो कर्जे का संकट हटाए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कर्जे का संकट हटाए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये कर्जे का संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये कर्जे का संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कर्जे का संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके पति पत्नी के बीच में जो भी विवाद चल रहा है मेरे पिता, और वो आगे तक बात चलेगी, तलाक तक बात चल गई है, एक बहुत बड़ा संकट इनके ऊपर आ गया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये संकट हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये संकट हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये बीमारियां हट जाओ प्रभु के नाम से, ये संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोगों के ऊपर केस हो रखे हैं और वो चाह रहे कि हमारे हम आजाद हो जाए, मेरा परिवार आजाद हो जाए, मेरा पति आजाद हो जाए, मेरी पत्नी आजाद, मेरे बच्चे आजाद हो जाए इन केसों से। इसलिए
प्रार्थना करते हैं। और राजा राजा प्रभु प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप महान हैं, आप सब शक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनके ऊपर से संकट हट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हटाए जा रहे हैं मेरे पिता। इनके ऊपर जो भी केस है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु वह केस रद्द किए जाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से। मेरे पिता जिनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, बड़े बड़े संकट इनको पर आ गए मेरे पिता, ये जमानतें इनके होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जो इनके ऊपर अचानक संकट आ गया है, जिस तरह चिड़िया नहीं पता लगता कि आपको फंदे में फंसे, ऐसे अगर आपके ऊपर अचानक संकट आ गया है तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कह रहा है कि मैं अचानक आने वाले भय से नहीं डरूंगा, अचानक आने वाले संकट से नहीं डरूंगा मेरे पिता। आज जो इनके ऊपर संकट आया है मेरे पिता, आज हमारे ऊपर संकट आया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस अचानक संकट को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमसे दूर करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। आप हमारी पुकार को सुने मेरे पिता, आप हमारी गिड़गिड़ाहट को सुने मेरे पिता, आप हमारी आंसुओं को देखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे विश्वास को देखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता आप हमारे जीवन में मजबूत कार्य करो मेरे पिता, अचानक आने वाला संकट दूर किया जाए मेरे पिता, अचानक से जो संकट आ गया है मेरे पिता दूर किया जाए, अचानक से जो संकट आ गया है मेरे पिता हमसे दूर किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब जैसे कुछ लोग उठे उठते सारी कुछ कोई ऐसी कॉल आई उनके पास उनके ऊपर संकट आ गया, कुछ लोग रात को अच्छा सोए थे और सुबह देखा घर में कुछ ऐसी उनके हानि होगी, एकदम संकट आ गया, ऐसे अचानक अचानक संकट, अचानक से केस हो गया, अचानक से विवाद हो गया, अचानक से लड़ाई झगड़े हो गए, अचानक से कहां से क्या बात होगी, या अचानक आने वाले संकट हर बंधन में तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी अचानक आने वाला संकट दूर किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूर किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये संकट दूर किया जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से संकट दूर किया जाए। और राजाओं का राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी मेरे पिता, इन पे दया करो मेरे पिता, ये संकट हटाए जाए, संकट हटाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये बड़े संकट हट जाए, बड़े बड़े संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ए संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ए पहाड़ हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ए पहाड़ हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया रब सलाखा रब नमराजों के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता आपके नाम से, ये बड़े संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये बड़े पहाड़ हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे ऊपर से संकट हट जाए, मेरे परिवार से संकट हट जाए, और कुछ बिजनेस के ऊपर संकट आ गया है, बिजनेस डूबने वाला है, बिजनेस जीरो होने वाला है, जीरो पर आ गया है, माइनस होने वाला है, जीरो माइनस में चलने वाला है, आप संकट आ गया है। आप प्रार्थना करें प्रभु के आगे, प्रभु हमारे बिजनेस दौड़े, अचानक जो हमारे बिजनेस को नजर लगी है, अचानक जो हमारे जो बिजनेस को दुश्मन खा गए हैं, अचानक एक रह के बंधन हो गए हैं, ये संकट आ गया हमारे बिजनेस को ऊपर, अच्छा बिजनेस था सब जीरो हो गया है, सब फ्लॉप हो गया है। आज मेरे पिता हमारी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, ये संकट हटाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी और राबासी लिखी रे नमा, इनका बिजनेस दौड़ने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये संकट हटाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हटाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हटे प्रभु के नाम से, संकट हटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, संकट हटाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संकट हटाए जा रहे हैं। अब आप प्रार्थना करें, अब एक मिनट प्रार्थना करें, अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का संकट है, अचानक संकट आपके ऊपर आ गया है, या आपके ऊपर संकट चल रहे हैं, या आपको लगता है कि इतना बड़ा संकट आ सकता है, आपको लगता है कि मेरे ऊपर हानि हो रही है, मेरे ऊपर संकट आ सकता है, उस संकट को प्रभु के आगे रखें, उस बात को प्रभु के आगे रखें। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु बड़ा चमत्कार करने वाले आपके जीवन में, बड़ा चमत्कार होने वाला आपके जीवन के अंदर। ओ हालेलुया 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 रब सलख रब नमा, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 देते मेरे पिता। इनके ऊपर जो भी संकट है मेरे पिता, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर ये संकट है, हमारे पर जीवन का संकट है, हम पे केस का संकट है, हम पर परिवार का संकट है, हमारे ऊपर की तरह का बंधन का संकट है, हमारे पर बीमारी का संकट है, किसी भी तरह का अगर इनके ऊपर संकट है, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी रुकावट है, कोई भी संकट है, आज प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, कहें प्रभु जी मेरे संकट को दूर करो मेरे पिता, मेरे संकट को दूर करो मेरे पिता, मेरा संकट हटाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से,
मेरा संकट हटाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरा संकट हटाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरा संकट हटाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरा संकट हटाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरा संकट हटाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ए संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ए पहाड़ हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। जिस तरह वचन भी एक हट जाओ पहाड़ो मेरे अज्ञाओं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे ऊपर जो भी संकट है, जो भी पहाड़ जैसे संकट है, तुम हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। वह दुनिया को रचने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। ए संकट हट जाओ, जो मेरी हर तरह की तुम कमजोरी को जानते हो, ए संकट हट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हो राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, ये संकट हटाए जा रहे हैं, संकट हटाए जा रहे हैं, संकट हटाए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आपके ऊपर कोई भी संकट है, अचानक अगर आपको ऊपर संकट आया है, वो हटाया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो संकट हटाया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो संकट आज हटाया गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपका धन्यवाद हमारे ऊपर से संकट हटाने के लिए। सात बार कहें कि प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे ऊपर से संकट हटाने के लिए, हमारे ऊपर से संकट हटाने के लिए, हमारे ऊपर से संकट हटाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। परमेश्वर के नाम से।